आज हम एक नया दवाई के बारे में बात करते हैं चेस्टनट बड डिटेल बात करने के पहले मैं आपको एक केस बताना चाहूँगा मेरे क्लिनिक में एक लड़का आता था हार्डली छः सात साल का था लेकिन जैसे ही वो अंदर आता था मैं मेरे दो असिस्टेंट पूरे चौकन्ने हो जाते थे हम लोग एकदम अटेंशन में रहते थे क्यों लड़का क्या कब क्या करेगा कुछ पता नहीं चलता था एक जगह बैठता नहीं था कौन सी चीज लेके पटक देगा या क्या करेगा मतलब उसका कोई भरोसा नहीं ऐसा लगेगा कि अरे शांत बैठा है दूसरे मिनट में पलक झपकते ही कोई चीज़ को हाथ लगा देगा कोई चीज़ गिरा देगा या कुछ भी बात बोलेगा और कागज फाड़ देगा मैगजीन्स उधर जो रखे हुए है वो फेंक देगा उठा के तो ऐसे बच्चों को एडीएसडी बच्चे बोलते हैं और उसको कितनी बार उसकी मम्मी समझाती थी कि बेटा ये अपना घर नहीं ये है ये क्लिनिक है क्लिनिक में इस तरह से नहीं बैठते अच्छे से बैठते डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वो बात सुनते है वगैरह वगैरह लेकिन वो हाँ बोलता था और तीस सेकंड चालीस सेकंड नहीं होते तब तक तो वापस पहले जैसे ही चालू कर देता था तो इस तरह का जो माइंड सेट होता है वो चेस्टनट बढ़ का होता है मतलब क्या एक तो अटेंटिवनेस कि हम लोग क्या बोल रहे हैं उनका ध्यान ही नहीं रहता है पढ़ाई करते टाइम पे भी उनका इनअेंटिवनेस रहता है टीचर क्या पढ़ रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं है दूसरा बच्चा क्या कर रहा है उसके तरफ ध्यान जाता है और कंसंट्रेशन नहीं तो वो दिमाग में घुसता नहीं उसके और जबरदस्ती उनको बार 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 रट्टा मार के अपन सिखा भी दिया कोई चीज बाय हार्ट भी हो गई उनके तो उस वक्त बोल के बता देंगे हो। लेकिन सेम चीज दूसरे दिन अगर पूछते उनको तो उनको कुछ भी याद नहीं आती क्योंकि वो रट्टा मारने के लिए, लिए उसने रट्टा मार लिया लेकिन उसके ब्रेन के अंदर गया ही नहीं हो तो रीजनिंग पावर नहीं है इनकी रीजनिंग पावर रहेगा तो वो जो रट्टा मार रहा है उसके ऊपर सोचेगा हो सोच के बाद में वो फिर दूसरे दिन रिफ्लेक्ट होता है उसके मेमोरी में से समझ रहे हैं आप कोई चीज जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग सोचते हैं उसके ऊपर कि ये चीज़ कैसे है क्या है इसमें क्या होता है फिर वो सेव होती है हमारे दिमाग में और दूसरे दिन जब भी हमको चाहिए उस टाइम पे हम उसको वापस प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन इनके अंदर रीजनिंग पावर ही नहीं है बेसिकली लैक ऑफ रिजनिंग पावर रीज़निंग so पावर नहीं होने से रिफ्लेक्टिंग पावर भी नहीं है और उसकी वजह से वो उनका फोकस भी नहीं होता है वो कुछ नई चीजें सीख भी नहीं पाते हैं अच्छा वो जो भी गलतियां करते हैं ये लोग उनको उसके बारे में कोई पछतावा नहीं रहता है काज का कीमती सामान फोड़ देंगे टीवी तोड़ देंगे रिमोट तोड़ देंगे और हंसते रहेंगे आप भले उनको दो चार मार भी दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको समझ में ही नहीं आता है कि अपन ने कुछ गलत किया है इस तरह का उनका माइंड रहता है इनका माइंड जो है ना फ्लाइटी माइंड रहता है मतलब लास्ट मोमेंट पे अचानक चेंज हो जाता है मतलब इसके मन में कुछ भी अगर आया ना कि अरे ऐसा करना है और वो ऐसा कर लेते हो समझ में नहीं आता उनको समझो आपके घर में बालकनी है बालकनी फिफ्थ फ्लोर पे तो कोई भी बच्चे को उतना तो नॉलेज होता है यार ये फिफ्थ फ्लोर है यहाँ से अगर मैं गिर गया तो मुझे बहुत चोट लगेगी इतना रीजनिंग पावर तो हर एक बच्चे में होता है भले ही छोटा हो लेकिन इनका रीजनिंग पावर ही नहीं है ना ये सीधा बालकनी में चढ़ जाएगा इसको वो अक्कल नहीं है कि यार मैं गिरा तो मुझे लग जाएगा तो ऐसे ही फिर उनका उनको याद भी नहीं रहता है कुछ टीचर ने होमवर्क दिया हुआ रहता है स्कूल में कि ये ये सब कंप्लीट करके लाना है और ये घर पे आके कुछ नहीं बोलता भाई कुछ होमवर्क दिया नहीं कुछ नहीं याद नहीं मुझे मतलब वो भूल जाते हैं वो वो कभी सीरियसली नहीं लेते ये हो गए छोटे बच्चे के बारे में बड़े लोगों के बारे में भी कैसा रहता है सब मेरे कई पेशेंट्स है अपॉइंटमेंट लेते हैं आठ बजे और आते हैं नौ बजे तो उनको वो याद भी नहीं रहता है और वो उतना कॉन्शंसनेस भी नहीं रहता है उनको कि आठ बजे का अपॉइंटमेंट लिया है और दूसरे भी पेशेंट होंगे हमारे बाद में तो चलता है ना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो तो इतना क्या है और उनको मैं हर बार समझाता हूँ कि ये आप आठ बजे का अपॉइंटमेंट आठ बजे आते जब नौ बजे मेरा क्लिनिक बंद करने का टाइम रहता है लेकिन हर बार आएंगे वो नौ बजे ही तो चेस्टनट बर्ड अगर दो तीन महीने अगर उनको मैं खिलाता हूँ तो उनको टाइम पे आने की जो बुद्धि रहती है वो आ जाती है और दे फॉलो द अपॉइंटमेंट्स ये जो पेशेंट है डिस रहते हैं मतलब किसी की बात सुनते नहीं है माँ बाप की भी नहीं और एंटी सोशल एक्ट्स भी करते रहते मतलब कोई बच्चे को मार देना पेट में मार देना सर में मार देना इनको समझ में नहीं आता है कि कई इम्पोर्टेंट जगह अगर मार दिया तो वो उसको ज्यादा हानि भी पहुंच सकती है बस इनके दिमाग में आए इसका सर फोड़ना है तो सर फोड़ देंगे और सर फोड़ के भी इनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ गुनाह किया है बस कर दिया तो समाज में ये तो छोटे बच्चे समाज में कुछ गुंडे लोग भी रहते हैं कि जिनको खून मारा मारी या डकैती करके भी उनको कुछ पछतावा नहीं होता है दे आर हैप्पी ठीक है कर दिया मैं उनको जेल भी हो जाती थी ठीक है जेल में चले गए ऐसा कुछ नहीं है उनका कि यार ये बहुत अपन ने खराब काम किया वगैरह वगैरह ऐसा कुछ नहीं है गलती का उनको कभी एहसास ही नहीं होता है और शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होती है इमोशंस प्रिडोमिनेट होते है ज्यादा रहते इसमें। सोच के कोई जजमेंट नहीं लिया जाता है इनका और तो ठीक है ये कुछ जब कुछ एम के भी बच्चे रहते मेंटली रिटार्डेड उन लोगों में भी ये इस टाइप का मेंटल बिहेवियर रह सकता है क्योंकि उनको समझ नहीं आई हुई रहती है सिर्फ बॉडी का ग्रोथ हो जाता है और दिखने में बड़े दिखते हैं लेकिन समझ बहुत कम रहती है तो उनकी बिहेवियर में भी अगर ये अगर सिम्टम्स मिलते हैं और चेस्टनट पर उनको खिलाते हैं तो उनको थोड़ी समझ आ जाती है कि कौन सी चीज करना है और कौन सी चीज नहीं करना है तो ये मेडिसिन जो है मन का जो इनअेंटिवनेस है मतलब फोकस नहीं होता है उसमें यूज होती है मोरल मोरल जो क्वालिटीज होती है अच्छे बुरे की जो पहचान होती है उसमें ग्रोथ होता है एडीएसडी के चाइल्ड जो होते हैं उसमें काफी फर्क पड़ जाता है और कुछ बच्चों में एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है वो भी कम हो जाता है फिजिकल कंप्लेंट्स में इनको एक ही बीमारी बार 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 होते रहती है तो मतलब बॉडी सीख नहीं पाती कि कौन सी बीमारी से कैसे जूझना है तो उसमें भी चेस्टनट बर्ड दे सकते हैं सो so, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा थैंक